मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इटवा विधानसभा सिद्धार्थनगर से कांग्रेस प्रत्याशी अरशद खुर्शीद नामांकन करके अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने मुंबई में अलग अलग इलाकों में पहुंचे, जहां उनकी स्वागत हुई और आज मुंब्रा के शिवली नगर यानी आजमी हॉल में पहुंचते ही सिद्धार्थनगर यूपी के रहवासी, खास करके इटवा विधानसभा के लोग उत्तर भारतीय मंच के बैनर तले जमा रहे, जहां अरशद खुर्शीद प्रत्याशी की जमकर स्वागत किया गया, जिसके बाद लोगों से अपील की अरशद खुर्शीद ने अपनी कीमती वोट देकर जिताए। उत्तर भारतीय महासंघ मंच पर जो है सभी तरह के लोग वहां जमा रहे, यानी यूपी से जो रिलेटेड थे, जिनका लगाव था, वो सारे लोग जो है वहाँ पर जमा रहे। और खासकर जो है उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, समाज सेवक कमरुल हुदास, जफर शेख, राजू अंसारी व तमाम लोग यानी सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुनिए क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रत्याशी अरशद खुर्शीद ने कहा, साथ ही करीम खान, जफर शेख ने क्या कहा है वो भी सुनिएगा। पिछले दो दिन से मुंबई में अलग अलग इलाकों में आपका स्वागत किया जा रहा है, मुंबई दौरा कर रहे हैं आप, इटवा से 305 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आने की मुख्य वजह क्या रही है मुंबई में? यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी असेंबली के लोग रहते हैं, हमारे ज़िले के लोग रहते हैं, कारोबारी नस्बत से, नौकरियों की नस्बत से मैं उन लोगों से अपील करने आया हूँ कि बड़ी तादाद में चूँकि यहाँ रहते हैं तो वोट परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव में वोट की ज़रूरत होती है। मेरे सब दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़दारी है, मैं उन सब लोगों से अपील करने आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें, ताकि चुनाव में वहाँ पे मुझे आसानी से जीत हासिल हो सके। इटवा में जीतने के बाद क्या बदलाव करेंगे और मुंबई में रह रहे लोगों से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो संवाद होगा, हम मुस्तकिल इनके कनेक्शन में रहते हैं, वहाँ से यहाँ कोई मामलात होते हैं तो करीम भाई को, ज़फ़र भाई को हम लोग कॉल करते हैं, अपने अवार्ड जी के जो शमीम भाई को, वहाँ पे कोई मामलात होते हैं तो ये हमको फ़ोन करते हैं, चाहे थाना हो चाहे तहसील हो, तो हम लोग बहुत कनेक्शन में रहते हैं दूसरे, क्योंकि वही लोग यहाँ रहते हैं, वही लोग वहाँ रहते हैं, आधे लोग यहाँ रहते हैं, आधे लोग वहाँ रहते हैं। जिस तरह से देखा गया आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, आपको क्या लगता है चाबी मुंबई में है और ताला गाँव में? हाँ, ये सही है कि महाराष्ट्र से ही नैरेटिव सेट होता है कि वहाँ पे कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने कारोबार में अपने मेहनत से यहाँ पे अपना एक साम्राज्य तैयार किए हैं, और उनका कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे, अपने गांव पे, अपने वहाँ के साथियों पे एक पकड़ होती है, तो जब यहाँ से कोई परसेप्शन क्रिएट होता है, यहाँ से लोग फ़ोन करना शुरू करते हैं, यहाँ से लोग आना शुरू करते हैं, तो वो वहाँ का माहौल बदल देते हैं। चुनाव जीतते हैं तो इटवा में, इटवा विधानसभा में क्या बदलाव लाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया कि हमारा इलाका बाढ़ पीड़ित है, उस पर काम होना है, हमारे इलाके में खड़ी फसल जल जाती है, और अभी तक जो मामूली चीज़ है, बसेज नहीं है कि पानी चला के उसको जो है रोका जा सके, फायर स्टेशन बनवाएंगे, उसके साथ साथ हमारे यहाँ बस अड्डा नहीं है, हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। इटवा शून्य पे था, शून्य की तरफ है, वहाँ के मंत्री ने कहा इटवा शून्य से शिखर की ओर, मगर इटवा शून्य था, शून्य पे है, हाँ मंत्री जी ज़रूर शिखर पे पहुँच गए। करीम भाई, जिस तरह से कोई भी मामला होता है उत्तर भारतीय हमेशा आगे रहता है, और आज अरशद खुर्शीद साहब का जो है बड़े ही जोरों शोरों से आपके मंच पे जो है स्वागत किया गया, क्या कहेंगे आप जो है? फिरोज भाई, ये पहली बात तो अरशद भाई मैं इनको नेता ही नहीं मानता, जिस दिमाग कमाए हो, जिसे आपने हमेशा देखा होगा इस मुमरा कौसा में कि कभी रोड पे खड़े हो जाना, दो दो चार चार घंटा लोगों की ट्रैफिक हटाना, कभी किसी की मैयत में, कभी किसी के सुख दुख में, तो ये आदमी भी उसी मिजाज का है, और मैं समझता हूँ कि ये मिजाज इटवा की हर गली गली में मौजूद है, हर बड़े छोटे में मौजूद है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अरशद खुर्शीद साहब इस टाइम सबसे अच्छे वोटों से जीत कर। जैसा अभी आपने अरशद साहब से पूछा कि ताला वहाँ है, कुंजी यहाँ है, तो मुंबई शहर है, यहाँ 1500-1600 किलोमीटर चल करके जो परिवार का मुख्य आदमी होता है वो आता है कमाने के लिए, यहाँ से कमा करके अपने बाल बच्चों को पैसा भेजता है, जिससे वहाँ की रोजी रोटी उनकी चलती है, खाना पीना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। अरशद साहब वहाँ से आए हैं इसी उम्मीद के तहत कि यहाँ के लोग जब अपने परिवार से कहेंगे कि हाँ हमको यानी कांग्रेस पार्टी को वोट दो, तो बहुत बड़ा असर जाएगा। इसी हिसाब से आज ये करीम भाई के नेतृत्व में प्रोग्राम किया गया उत्तर भारतीय संघ के नीचे, तो इसी उसके लिए, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ अरशद खुर्शीद साहब के लिए कि जो परिवार
गांव में रह रही है, जिनके लोग यहां रह रहे हैं, अगर वो पहुंच पाते हैं तो ठीक है, नहीं भी पहुंच पाते हैं तो फ़ोन के ज़रिए या किसी भी माध्यम से अपने घर वालों को बोलें कि अरशद खुर्शीद साहब को वोट कीजिए।